श्वेत मिति या मेंजुरेशन अध्याय 11 भाग 1। सबसे पहले हमें श्वेत मिति का अध्ययन क्यों करना चाहिए? हमें आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है वे किसी आम आकार जैसे कि चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त से बनी होती है। इसीलिए हमें इन आकारों का क्षेत्रफल और परिमाप जानना जरूरी है। जैसे कि यह एक घर का ब्लूप्रिंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज और आदि आकार। आप जब भी घर खरीदने जाते हैं सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि उस घर का क्षेत्रफल कितना है, या फिर किसी भी फुटबॉल फील्ड या क्रिकेट फील्ड का परिमाप आकार तय रहता है। विषय जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज या त्रिकोण, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त। त्रिभुज या त्रिकोण जिसे हम अंग्रेजी में ट्रायंगल कहते हैं, यह तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद्र आकृति है। इन भुजाओं और कोणों के माप के आधार पर त्रिभुज का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। इसका परिमाप ए धन बी धन सी होता है। इसका क्षेत्रफल आधा गुणा ए गुणा ऊंचाई ए से, या फिर आधा गुणा बी गुणा ऊंचाई बी से, या आधा गुणा सी गुणा ऊंचाई सी से। याद रखें कि ऊंचाई भुजाओं से समकोण रेखा की लंबाई होती है जो किसी एक कोने से गुजरती है। कुंठित त्रिकोण या ऑब्ट्यूस ट्रायंगल के लिए ऊंचाई त्रिकोण के बाहर होती है, लेकिन यहाँ पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा गुणा ए गुणा एच होता है। समांतर चतुर्भुज जिसे अंग्रेजी में हम पैरेललोग्राम कहते हैं, यह ज्यामिति की एक ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। यह एक चतुर्भुज है। इसका परिमाप ए धन बी धन ए धन बी या दो गुणा ए धन बी होता है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल ए गुणा ऊंचाई ए से होती है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम दो त्रिकोण के क्षेत्रफल के योग द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे कि इस चित्र में मैंने समांतर चतुर्भुज को दो त्रिकोण में विभाजित किया है। इन दोनों त्रिकोण का क्षेत्रफल आधा गुणा ए गुणा ऊंचाई है, जिससे इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है ए गुणा एच। आयत जिसे अंग्रेजी में हम रेक्टेंगल भी कहते हैं, यह ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों अंतकोण समकोण होते हैं। यह समांतर चतुर्भुज की ही तरह है जिसके चारों अंतकोण समकोण है या 90 डिग्री है। इसका परिमाप ए धन बी धन ए धन बी होता है, जो समांतर चतुर्भुज से मिलता जुलता है। इसका क्षेत्रफल ए गुणा बी होता है, क्योंकि आयत में उसकी ऊंचाई बी के बराबर होती है। वर्ग जिसे अंग्रेजी में हम स्क्वायर कहते हैं, यह एक ऐसा आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसका परिमाप ए धन ए धन ए धन ए होता है। इसका क्षेत्रफल ए गुणा ए या ए स्क्वायर होता है। वृत्त जिसे अंग्रेजी में हम सर्कल कहते हैं, किसी एक निश्चित बिंदु केंद्र जिसे अंग्रेजी में सेंटर कहा जाता है से समान दूरी त्रिज्या या रेडियस पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपत्र वृत्त कहलाता है। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है तथा इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 या वृत्त के परिमाप बटा 2 गुणा त्रिज्या के बराबर होता है। जैसे कि आप इस चित्र में फूलों को एक वृत्त के आकार में देख सकते हैं। उदाहरण एक, इस चित्र में हमें एक घर दिख रहा है जो बगीचे द्वारा घिरा हुआ है। अगर हमें इस घर का परिमाप जानना है तो हमें पहले यह देखना होगा कि घर का आकार क्या है। यह घर एक आयत है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 × 20 × 15, जो गणना करने पर आएगा 70 मीटर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 × 15, जिसकी गणना करने पर आएगा 300 मीटर स्क्वायर। याद रहे, हमें कभी भी उत्तर में यूनिट्स नहीं भूलनी चाहिए। इसी तरह बगीचे का परिमाप
जो एक वर्ग है आ जाएगा 4 गुणा 25, जो कि होगा 100 मीटर। इसका क्षेत्रफल जानने के लिए हमें पूरे चित्र का क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल घटाना होगा। पूरे चित्र का क्षेत्रफल है 25 गुणा 25 और घर का क्षेत्रफल है 300, तो हमारा उत्तर होगा 325 मीटर स्क्वायर। उदाहरण 2, इस चित्र में हमें इसका परिमाप जानना है। यह चित्र 2 आधे वृत्त तथा 1 आयत से बना है। याद रहे, परिमाप हमेशा बाहरी किनारों का लिया जाता है। इस चित्र में जो जो वृत्त है उनका व्यास 7 मीटर दिया गया है। इसका मतलब इनका त्रिज्या आ जाएगा 3.5 मीटर, जिनसे हम इस आयत के एक भुजा का नाप 13 निकाल सकते हैं, क्योंकि हम 20 से दोनों तरफ से 3.5 घटा दिए। अब इस चित्र का परिमाप हो जाएगा 13 धन 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। हमने 2 से भाग इसलिए दिया है क्योंकि यह वृत्त आधा ही है, जो अब परिमाप गणना करने पर आ जाएगा 48 मीटर। पाई का मान हमेशा 22/7 ही लिया जाता है। उदाहरण 3, यह चित्र एक बहुभुज का है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमें कई आकार से मिलकर बनी आकृति दी जाए तो हम इन्हें विभिन्न भाग में विभाजित कर इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कि इस बहुभुज को हम 4 त्रिकोण, 2 आयत और एक बड़े आयत में विभाजित कर सकते हैं, जिसका क्षेत्रफल हमें पता है। अब हमें 4 त्रिकोण का क्षेत्रफल, दोनों छोटे आयतों का क्षेत्रफल तथा एक बड़े आयत का क्षेत्रफल का योग करना है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा आधा गुणा 3 गुणा 4, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, धन 2 गुणा 4 गुणा 5, जो कि छोटे आयत का क्षेत्रफल है, धन 11 गुणा 5, जो बड़े आयत का क्षेत्रफल है। गणना करने पर हमारा उत्तर आएगा 119 मीटर स्क्वायर। सारांश, हमने विभिन्न आकृति के क्षेत्रफल व परिमाप जाने। अगले भाग में हम ठोस आकार के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।